खिलौनों का वो बंद कमरा, याद है मुझे वो दिन जब मेरे पापा ने मुझे पहली बार लाके दिया था मेरा पहला खिलौना, वो बंदर, वो खिलौने वाला बंदर जो चाबी घुमाने पर ड्रम बजाया करता था, जो रोने पर मुझे हंसा दिया करता था, अब मुझे वो बहुत याद आया करता है। वो गाड़ी, वो लाल गाड़ी जिसके लिए मैंने पापा से बहुत जिद की थी, जिसके लिए मैं पूरे दिन फिरा करता था, पापा की असली गाड़ी से ज़्यादा मुझे वो प्यारी थी, अब मुझे वो बहुत ज़्यादा आया करती है। धीरे धीरे ये मेरा खिलौनों का कलेक्शन बढ़ता चला गया और इस परिवार में धीरे धीरे कर बहुत सदस्य जुड़ते गए। वो खिलौने जिनके साथ मैं दोपहर का पूरा वक्त काटा करता था, जिनके साथ मैंने पूरा अपना बचपन गुजारा था, अब वो कहीं दूर है मुझसे। इस जिंदगी की भाग दौड़ में अब वो मुझसे कुछ दूर हो गए हैं और अब वो कहीं रहते हैं उस एक स्टोर रूम में। उस स्टोर रूम में वो पुरानी चीज़ों के साथ, पूरा तो नहीं है वो खिलौनों का परिवार, अब कोई सदस्य तो पता नहीं खो गए हैं और कई न जाने कैसे टूट गए हैं। याद आई उस परिवार की मुझे एक दिन, खोला वो खिलौनों का वो बंद बक्सा और बहुत सारी यादें उमड़ आई हो जैसे मुझ पर। कुछ कह रहे थे शायद वो मुझसे, खोला उस डिब्बे को, बचपन की वो सारी यादें आंखों के आगे आ गई मेरे। याद आने लग गए बचपन के वो चेहरे जिनके साथ बिताया था मैंने वो हंसी वक्त, वो खूबसूरत लम्हे। अब शायद ये पल मेरे पास मेरे से कम थे। उस डब्बे को टटोलते देखे मैंने वो अपने सारे खिलौने, वो बंदर, वो गाड़ी और सब कुछ। वो चाबी से चलने वाली ट्रेन शायद मुझसे कुछ कह रही थी कि आ चल मेरे साथ, तू भी भर ले अपनी रोज़ की ज़िंदगी में यादों की एक चाबी और चल सुकून के एक सफ़र पर। कह रहे थे वो मुझसे शायद कि फिर लौट आ वापस हमारे पास, पर फिर अपने दिल पर पत्थर रख उन खिलौनों को रख दिया मैंने उस डब्बे में, फिर उन्हें बंद कर दिया उस कमरे में, फिर कैद कर दिया मैंने अपने बचपन को उस कमरे में।